वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस साल यानी कि 2020 में एक और ग्रहण के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई को तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वहीं अगर आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए कि यह ग्रहण धनु राशि में लगने जा रहा है। हालांकि पिछले महीने में भी चंद्र ग्रहण लगा था और पिछले महीने ही 5 जून को चंद्र ग्रहण और साथ ही साथ 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। 5 जुलाई 2020 को ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रहण के बाद अगला चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को लगेगा। तो दोस्तों आज वेद संसार आपको बताने जा रहा है 5 जुलाई को लगने वाले ग्रहण से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में। दोस्तों इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। बता दें कि जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है और तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होते हैं तब उपछाया चंद्र ग्रहण लग जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण के सही समय के बारे में। यूं तो यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, पर फिर भी हमारे भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण सुबह 8:37 से शुरू हो जाएगा और 9:59 पर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा। वहीं 11:22 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात तो यह है कि इस ग्रहण की अवधि सिर्फ 2 घंटे 43 मिनट की रहेगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि 5 जुलाई 2020 को लगने वाला ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत में ना सही, पर यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक और अंटार्कटिका पे ज़रूर दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि सूतक काल क्या होता है और ये भारत में क्यों लग रहा है। दोस्तों 5 जुलाई 2020 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसी कारण ये सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। ज्योतिष शास्त्र की माने तो उपछाया चंद्र ग्रहण में भी सूतक काल मान्य नहीं होता है और 5 जुलाई को जो उपछाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, हालांकि चंद्र ग्रहण में ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से ही सूतक काल मान्य होता है। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण की तरह के सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने की मनाही होती है, वहीं चंद्र ग्रहण को देखने में किसी भी प्रकार की कोई आपको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं होती है। चंद्र ग्रहण को आप अपनी नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने से आपकी आंखों पर भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि चंद्र ग्रहण आपके लिए कोई अशुभ संकेत नहीं बल्कि कोई शुभ संकेत लेकर आए और आपका आने वाला समय हर तरीके की खुशियों से भरा हो व साथ ही आप एक आनंदपूर्वक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों यह था चंद्र ग्रहण के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।